नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गरीब हरियाणवी में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडिया जीके के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914 को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों, ये था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो ये था वुड्रो विल्सन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों 11 नवंबर 1918 को। ये पहला क्वेश्चन था कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ और ये कब समाप्त हुआ, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को संकट कब पैदा हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में। अगला है, वर्सराय की संधि कब हुई। दोस्तों 28 जून 1900 ईस्वी को वर्सराय की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्सराय की संधि किसके साथ हुई। तो दोस्तों, वर्सराय की संधि हुई थी जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया। तो दोस्तों, लिया था 37 राष्ट्रों ने भाग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया। तो हम इसको बताएंगे 37। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। तो माना जाता है बिस्मार्क को। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के मध्य त्रिगुट का निर्माण कब हुआ। तो हुआ था दोस्तों 1882 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूस जापान का युद्ध कब हुआ। तो रूस जापान का युद्ध हुआ 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस राष्ट्र पर 1914 ईस्वी में आक्रमण किया। तो ये थे बेल्जियम, लक्जमबर्ग, फ्रांस व रूस। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। वो था 6 अप्रैल 1917 को। अगला क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ। तो ये है 18 जनवरी 1919 से लेकर 21 जनवरी 1920 तक। अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई। तो ये स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कपाल पासा की मृत्यु कब हुई। तो कपाल पासा की मृत्यु हुई है 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ अपमानजनक संधि कब हुई। तो ये संधि हुई है 10 अगस्त 1920 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई अपमानजनक संधि को किस नाम से जाना जाता है। इस संधि को जाना जाता है सेवा की संधि के नाम से। अगला क्वेश्चन है, लोजोन की संधि कब हुई। तो ये संधि हुई है 24 अगस्त 1923 में। लोजोन की संधि कब हुई ये तो हो गया, इसके बाद में पूछते हैं कि लोजोन की संधि किस किस के मध्य हुई। तो ये दोस्तों मध्य हुई है तुर्की और यूनान के मध्य में। अगला है, तुर्की में रिपब्लिकेशन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ये थे मुस्तफा कमाल पासा। अगला है, तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई। तो 1923 ईस्वी में। अगला है, तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब की गई। 20 अप्रैल 1924 में। अगला है, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा राष्ट्र हुआ। तो ये हुआ था चीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आधुनिकीकरण, क्योंकि सबसे ज़्यादा आधुनिकीकरण की वजह से जापान ही एक प्रसिद्ध है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, मोत्सुहितो ने। अगला है, जापान की सैनिक सेवा अनिवार्य कब की गई। तो ये की गई 1872 ईस्वी में। अगला है, जापान ने राष्ट्रीय संघ की सदस्यता कब छोड़ी। तो इसने छोड़ी है 24 फरवरी 1933 ईस्वी में। दोस्तों, आप ये सब यूट्यूब चैनल गरग हरियाणवी पर पढ़ रहे हैं और इसको आगे भी पढ़ते रहें। ये पूरी वीडियो आपको बहुत काम आएगी, इसके लिए आप इस पूरी वीडियो को देखें तथा इनको शेयर भी करें। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो यह हुआ था 1 सितंबर 1939 को। तो यह अब आगे क्वेश्चन बनता है कि यह कब समाप्त हुआ। तो यह समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो उसका कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की कारण बना। अगला है, म्यूनिक पैक्ट कब हुआ? तो ये हुआ 29 सितंबर 1938 ईस्वी में। अगला है, जर्मनी द्वारा वर्सराय की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब किया गया? तो ये किया गया 1935 ईस्वी में। अगला है, वर्सराय की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आरोपित संधि के नाम से। अगला है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? तो लिया था 8 दिसंबर 1941 ईस्वी में। अगला है, जापान के किन दो नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए? तो ये है हिरोशिमा और नागासाकी। पहला बम उन्होंने हिरोशिमा पर गिराया तथा दूसरा नागासाकी पर। तो पहला प्रश्न आगे लिए बनता है इसी के साथ कि अमेरिका द्वारा प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया? तो वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और कहाँ पर गिराया गया? तो ये गिराया गया हिरोशिमा पर। अगला आता है कि अमेरिका दूसरा परमाणु बम कब गिराया? तो ये होता है 9 अगस्त 1945 पर। किस पर? नागासाकी पर। दोस्तों ये चार प्रश्न बनते हैं इसमें परमाणु बम से संबंधित कि कितने शहरों पर गिराए? दो पर। कौन कौन से? हिरोशिमा नागासाकी। कौन से देश के? जापान की। कब गिराए? 6 अगस्त 1945 को तो हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। इसमें से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस समय हुई? ये हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। अगले क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है रूस को। अगला क्वेश्चन है, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया? तो उसने आक्रमण किया 1931 में। अगला क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड में शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? तो इसका नीति का विचारक था सेली सेवरी। अगला क्वेश्चन आता है, न्यू डील के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन है, रोम बर्लिन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 25 अक्टूबर 1936 में। अगला क्वेश्चन बनता है, जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया? तो उसने किया 7 मई 1945 में। अगला क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली का अधिनायक कौन था? मुसोलिन यादव। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? तो उसका था जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना। अगला क्वेश्चन आता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है तुर्की को। अगला आता है, पाक इस्लाजिंग का नारा किसने दिया? तो ये दिया अब्दुल हमीद द्वितीय ने। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मुस्तफा कमाल अर्तारकुक पासा को। अगला क्वेश्चन बनता है, तुर्की में गिरोशियम कैलेंडर का प्रचलन कब हुआ? तो ये हुआ 26 दिसंबर 1925 को। अगला बनता है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो की थी दोस्तों नेपोलियन ने। अगला आता है, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? इसका पतन का कारण था रूस पर आक्रमण करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपोलियन को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा है? तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रथा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा है? प्रसा। अगला है, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो उसको था फ्रांस से। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा? किसने कहा? विलियम प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कब व कहाँ हुआ? ये जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 से में ब्रानव देश में हुआ था। अगला है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब और किसने किया? तो 1920 ईस्वी में किया। किसने किया? हिटलर ने। ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके जन्म का, उसने किस पार्टी का गठन किया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। कब? 1920 में।
अगला आता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, नाजी पार्टी के नाम से। अगला है हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है, मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। अगला है दोस्तों जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बनता है एक राष्ट्र एक नाता, यह नारा किसने दिया, तो यह नारा दिया हिटलर ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिटलर ने कौन सा नारा दिया, एक राष्ट्र एक नेता। अगला है हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ, तो हुआ ऑस्ट्रिया। और हिटलर ने आत्महत्या कब की थी, तो दोस्तों उसने की थी 30 अप्रैल 1945 को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसका जन्म का, किस पार्टी की स्थापना की। तो धन्यवाद दोस्तों, ये दोस्तों आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रह घटियाणों पर, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।